ये जो लिंचिंग की बातें थी तो मेरे मन में हमेशा आता था कि ये क्या, ये कहाँ से वो राक्षस पैदा हो जाता है क्या आप किसी को मार डालते हो। तो मैं गुजरात में करीब 3-3.5 महीने रफ़ीक कुरेशी नाम से रह रहा था, और पहले अहमदाबाद में जो कैटल ट्रेडिंग करते थे, जो बूचर्स थे, उनके साथ दोस्ती की। फिर उन्होंने ही मुझे ये नाम दिया रफीक कुरेशी, और उनके साथ फिर मैं राजस्थान से, राजस्थान में अलग अलग गांवों में और गुजरात के भी दीसा में जो इल्लीगल पशु बाजार चलते हैं वहाँ से कैटल ट्रेडिंग करने का, गाय भैंस पाड़े परचेज करके गुजरात के अलग अलग स्लॉटर हाउसेस में बेचने का, तो ये मैं करता था। और ये करीब 3-3.5 महीने चल रहा था। मैं खुद 32 ट्रकों में बैठ के अलग अलग दिनों पर मैंने ट्रैवल किया, और बीच रास्ते में किस तरह से बजरंग दल एक्सटॉर्शन करता है। गाय का ट्रक अगर आपको लाना है तो 14,500-15,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं, भैंस का ट्रक लाना है तो 6,500 देने पड़ते हैं, पहाड़ों का ट्रक अगर ला रहे हो तो 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। और वो पालनपुर में चौधरी नाम के है बजरंग दल के, वो ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। मैं 30-32 ट्रक लाया था, और उस दौरान मैं एक बार उनके पास भी गया उनको मिलने के लिए कि मुझे धंधा बढ़ाने का है, आप थोड़ा सा पैसा कम करो। और मैं बाकायदा स्कल कैप पहन के और पठानी ड्रेसेस वगैरह वो पहन के ही मैं घूमता था, रहता था। तो मैं उनके पास चला गया कि आप थोड़ा सा आपका फीस कम करो, मेरे को धंधा बढ़ाने का है। तो बोले कितना करेगा? तो मैं बोला मैं रोज़ 40 ट्रक लेके आऊँगा और मुझे बम्बई तक लेके जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं मेरी जिम्मेदारी गुजरात तक ही है, आपको अगर बम्बई लेके जाना है तो बलसाड़ में बाबूभाई देसाई नाम के दूसरा एक शख्स है हमारा, उसको महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, उसका रेट अलग है, मेरा बलसाड़ तक का जिम्मेदारी है तो वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको पूछा कि, और उनका एक रूल है कि चमड़ा उनको देना पड़ता है, मतलब जानवर काटने के बाद मुफ्त में चमड़ा उनको देना है और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनको पूछा कि आपके धर्म में तो ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी आया है ना तू, बैठ चाय पी। तो मैं उसके सामने बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। तो मैं बोला फिर आप ये गाय के चमड़े का व्यापार कैसे करते हो? तो उसने बोला ऐसे दीवार पे लक्ष्मी की मूर्ति थी तो उसने पूछा ये पता है क्या है? मैं बोला हाँ कोई भगवान है। तो उसने वो कहा, उसने कहा कि मैं इसकी पूजा करूँ या चमड़े की पूजा करूँ? तो मैं बोला साहब फिर हम भी तो वही चाहते हैं, हमको 2 पैसा मिल जाएगा, अगर आपने हमको थोड़ा पैसा दिया तो हमको भी 2 पैसा मिल जाएगा। उसने कहा कि तुम्हारा पेट भरने के लिए जितना काफ़ी है उतना मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा जो है वो हमारा है। फिर काफ़ी बातें उसने उस वक्त बताई कि करीब रोज़ 1.5 करोड़ रुपया पालनपुर के वो जो अमीरगढ़ का चेक पोस्ट है वहाँ पर एक दिन में रोज़ 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, ईद के बाद आना तब बात करेंगे, शायद कुछ थोड़ा बहुत कम करेंगे, तो ईद के बाद आना। उसने ये भी कहा कि बीच बीच में हमको लोगों को मारते रहना पड़ता है, क्योंकि जब किसी को मारते हैं तब 10-15,000-20,000 लोग डर जाते हैं और वो डर बरकरार रखना है तो बीच बीच में मारते रहना पड़ता है। तो तू अचानक अलग नंबर के ट्रक में से ट्रैवल मत कर, कहीं फंस जाएगा एक आध दिन। तो बोला क्या करेंगे सर, पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ेगा, जब तक जिंदा है तब तक पेट भरना है, तब तक ये करना है, आपने अगर मार ही डाला तो कहाँ पेट भरने की नौबत है। तो ये सारी बातें हुई थी, और ये मोडस ऑपरेंडी है। हम सोचते हैं कि गौ रक्षा वगैरह ये धर्म की बातें वो करते हैं, लेकिन वो बिजनेस मॉडल है, और उस बिजनेस मॉडल की इन्वेस्टमेंट डर है, और ये डर, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली फासिज्म की इन्वेस्टमेंट है। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, जो डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने किया था कि मतलब फाइनेंशियल लेवल पर हर आदमी को घुटनों के बल ला के रख दिया था, और जब आर्थिक आधार पर कोई भी इंसान घुटनों के बल टिक जाता है तो वो किसी भी फांसीवादी हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और वही हमने देखा कि उसके बाद क्या क्या हुआ, कुछ नहीं। और एक अर्बन मिडिल क्लास में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अर्बन मिडिल क्लास को हमेशा ऐसे लगता है कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उनमें ये वहम पैदा कर दिया कि आप लाइन में खड़ा रह के देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो खड़े हो गए, और वो मतलब
खड़े रहने की वजह के को जब हम जैसे लोग क्रिटिसाइज करने लगे तो वो हमको गालियां देने लगे ये कहकर के बॉर्डर पे देखो जवान कैसे मर रहे हैं, हम 4 घंटे लाइन में खड़े नहीं रह सकते क्या। और ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उनका जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको ट्रीट करने की कोशिश की, उसको एड्रेस करने की कोशिश की, और इसलिए ये पूरा बेवकूफ अर्बन मिडिल क्लास उनके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन ये जाकर कभी कोई देखता नहीं है कि वाकई में ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है।